पत्र लेखन चा तुम्हाला एक टॉपिक दिला आहे. ते एकदम सिंपल टॉपिक दिया हुआ है. तुमच्या मतलब आपके शाळेतील मतलब क्या स्कूल. सहलींसाठी मतलब क्या पिकनिक के लिए फी क्या चाहिए आपको. पिकनिक के लिए फीस चाहिए. मांगने के लिए फीस मांगने के लिए बाबा मतलब कौन होते हैं. पापा. डैडी ना पत्र लिए. डैडी को क्या लिखने का आपको. पत्र. तो आपको पता है पत्र लेकर हम लोग चालू करते हैं एड्रेस से. किसे चालू करते हैं. एड्रेस. तो आपको पता है ना अपने पास पत्र लेकर हम लोग टॉपिक देंगे ऐसा. दिनांक लिखेंगे 15 जनवरी 2022. अभी 2024 चल रहा है तो आप 2025 लिखोगे क्या. नो सर. 2024 फ्यूचर का डेट लिखोगे क्या. नो. आपको हमेशा पास्ट डेट ही लिखने का है. तो 2022 लिख दिया आपने. आप अपना नाम नहीं लिखोगे. आप क्या लिखोगे. अ ब क. क्या लिखोगे. अ ब क. इतना क्लियर हुआ. नेक्स्ट एकदम इजी एड्रेस. 123 गांधीनगर मालाड पश्चिम मुंबई 400 95. एकदम मार्जिन को टच करके आपको लिखने का. मार्जिन को टच करके लिखने का है. एक के नीचे एक. कटिंग कुटिंग करने का नहीं. यहाँ पे क्लियर हुआ आपको. प्रिया मतलब प्यारे. प्रिया मतलब क्या. प्यारे कौन. प्यारे बाबा. प्रिय बाबा. सप्रेम नमस्कार. यस और नो ग्रीटिंग देते हैं ना हम लोग कभी भी किसी से बात करते हैं तो. तो मराठी में क्या बोलते हैं. सप्रेम नमस्कार. तुम्ही कशे आहे. तुम मतलब आ. कैसे हो. कशे मतलब कैसे. आहेत मतलब हो. तुम्ही कशे आहेत. घरातील घर में सर्वजन मतलब सभी लोग. सर्वजन कशे आहेत. घर के सभी लोग कैसे हैं. यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा. आएगा. यस और नो. मला आशा आहे. मुझे आशा है. आई होप कि देवाच्या दूरदृष्टीने मतलब ऊपर वाला आपके ऊपर नजर रख रहा है और आप उनके नजरों से क्या हो. खुश हो. यस और नो. यस. तुम्ही सतत हसतमुख हैप्पी असणार. यस और नो. ऊपर वाला आपके ऊपर क्योंकि नजर रख रहा है. आप अच्छे काम कर रहे हो. कुछ गलत नहीं कर रहे हो. अच्छा खा रहे हो. अच्छा पहन रहे हो. ऊपर वाले को प्रे करके उनकी भी तारीफ कर रहे हो. यस और अपन प्रेज में ऊपर वाले की तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं. यस एंड यस और नो. तो आप हसतमुख रहोगे मतलब हैप्पी रहोगे. मी इथे खूप आनंदित आहे. मतलब बच्चा जो है डैडी से बहुत दूर हॉस्टल में पढ़ रहा है. कहाँ पढ़ रहा है. हॉस्टल में पढ़ रहा है. इतना क्लियर हो गया आपको. अभी लेटर क्यों लिखने का है हम लोग को. पिकनिक के लिए फीस चाहिए. पिकनिक के लिए क्या चाहिए. बाबा. सेकेंड पैराग्राफ में विल राइट ऑन बाबा. आमच्या शाळेतील उद्याने. एक हफ्ते पहले लिखेंगे अपन लोग है ना. या आठवड़ी रॉयल गार्डनला कुठे चालली सहल. जाणार आहे. का जाने वाली पिकनिक. रॉयल गार्डन. माला रुपीस पांचे पन्नास पाठावे यासाठी मी नम्र विनंती करतो. माझे
सर्वमित्र सर्वमित्र मैत्रीन मैत्रीन मतलब मेरे सारे दोस्त और सहेलियां सब जा रहे हैं। सहलीला सहलीला जाता है जाता है। मला पण जायचं आहे मला पण जायचं आहे। एकदम क्लियरली समझ में आ गया ना आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब मुझे भी जाने का है। किधर? यस और नो? चलो बोलो सेकंड पैराग्राफ कैसे बोलेंगे? बाबा आमच्या शाळेतील सहल या आठवडी रॉयल गार्डन ला जाणार आहे। मला 550 रुपये पाठावे यासाठी मी नम्र विनंती करतो। माझे सर्व मित्र मैत्री सहलीला जात आहे। मतलब मेरे सारे दोस्त सब लोग पिकनिक जा रहे मित्र मतलब यस बॉय टाइप फ्रेंड एंड मैत्रीन मतलब गर्ल टाइप फ्रेंड अंडरस्टूड। मला पण जायचं आहे मुझे भी जाना। लास्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे मी इच्छितो मेरी इच्छा है। इच्छितो मतलब क्या? मेरी इच्छा है। इच्छा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इच्छितो। हाँ मराठी में बोलेंगे इच्छितो। आई विश कि तुम्ही सुद्धा मला पत्र पाठवणार का पैसे पाठवणार? तो आप पत्र के जगह क्या लिखोगे आपन? वेरी गुड। पैसे माझा प्रेम घरातील सर्व लोकांना मतलब मेरा जो प्यार है घर के सभी लोगों के लिए क्योंकि बच्चा हॉस्टल में है ना तो मम्मी से दूर डैडी से दूर यस और नो घर पे छोटा भाई बहन रहेगा तो उससे दूर तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है देखो बारकी छकुली ला माजा खूब प्रेम बारकी छकुली ला माजा खूब प्रेम। छोटी वाली जो अपनी बहन है उसको मैं बहुत सारा क्या दे रहा हूँ? प्यार। आपला आभारी इजीली समझ में आया आपको ये लेटर? अगर आपको पिकनिक जाना है और डैडी पैसा नहीं दे रहा तो आप ये लेटर लिखोगे क्या नहीं लिखोगे? यस सर। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच।